हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज मैं नया वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था टरबाइन के ओवरव्यू के बारे में। तो टरबाइन के ओवरव्यू के बारे में बताते वक्त मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जो येलो येलो लाइन दिख रही है, यानी कि जो ऑयल की लाइन लिख रही है, जितने भी हमारा सिस्टम होता है टर्बाइन का, वो पूरा का पूरा ऑयल बेस्ड सिस्टम होता है। अगर हमने ऑयल की स्टडी नहीं करी और टर्बाइन की स्टडी कर ली, तो हमारी स्टडी ऑलमोस्ट अधूरी है। तो आज हमने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम जो अगला वीडियो लेके आएंगे, उस वीडियो में हम टर्बाइन में यूज़ होने वाले डिफरेंट काइंड ऑफ पंप्स, यानी जितने पंप्स यूज़ होते हैं उनके पंप्स के बारे में बताएंगे, उन पंप के रोल बताएंगे और किस वक्त कौन सा पंप काम करता है ये भी आपको बताएंगे। तो उस पंप की डिटेल हम लेके आ गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे येलो कलर की लाइनें जो हैं वो टरबाइन के या तो आपके रियर फ्रंट साइड में हो, या रियर साइड में हो, या आपके गियर बॉक्स में जा रही हो, या आपके अल्टरनेटर में जा रही हो, तो सारे के सारे में जो है आपका क्या है, पंप का हमारे रोल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, दो तरीके की लाइन होती हैं दोस्तों। जो आपको बहुत चौड़ी सी लाइन दिख रही होगी दोस्तों, वो होती है मतलब मोटा सा पाइप जो दिख रहा होगा, वो दोस्तों जनरली होती है कंट्रोल ऑयल की लाइन। और जो आपको पतली सी लाइन दिख रही होगी, पतली पतली लाइन्स दिख रही होंगी ऑयल की येलो कलर की, वो सब है लूब ऑयल की लाइन। तो दोस्तों, दो तरीके के ऑयल होते हैं। कंट्रोल ऑयल, जैसा नाम है, तो यानी वो कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। बेसिकली ऑयल का काम होता क्या है, जनरली अगर जानते हैं तो ऑयल का काम होता है दोस्तों कि किसी भी चीज़ की लुब्रिकेशन को लुब्रिकेशन देना, किसी भी चीज़ को लुब्रिकेट करना, ताकि वो आसानी से वियर एंड टीयर होने से बच सके और हमारा इक्विपमेंट जो है उसकी लाइफ जो है वो लॉन्गर होती रहे और हीट कम प्रोड्यूस हो। तो दोस्तों, पहले तो आगे बताने से पहले मैं हर बार एक तरीके, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों और लोगों के संग शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल के जो लोग हैं वो और ग्रो हो सके। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, कमेंट करके हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने आपको बताया कि लूब ऑयल का काम क्या होता है। तो लूब ऑयल का काम है कि लुब्रिकेशन का, कंट्रोल ऑयल का काम है सिंपल कंट्रोलिंग का, यानी टरबाइन में जो आपको नीचे ESV दिया है, ESV के ऊपर एक थ्रोटल वॉल है जो आपको दिखेंगे नहीं, थ्रोटल वॉल यानी टरबाइन में कितनी स्टीम कितने लोड पे जानी चाहिए, उस थ्रोटल वॉल को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए होता है कंट्रोल ऑयल। और वो जो मोटी सी लाइन आपको दिख रही है वो कंट्रोल ऑयल की लाइन है। कंट्रोल ऑयल यूज़ होता है हर टरबाइन पे कंट्रोलिंग के लिए। थ्रोटल वॉल होते हैं, थ्रोटल वॉल आप जाइएगा सर्च करिएगा गूगल में, तो थ्रोटल वॉल की कंट्रोलिंग आपको ऑयल से दिखेगी, अगर हाइड्रोलिक हैंडलिंग वाला वो थ्रोटल वॉल है तो। अगर मैकेनिकल वाला है तो वो एक अलग की बात है। तो ये जितनी भी मोटी लाइन्स है वो आपकी सारी है कंट्रोल ऑयल की। हाँ, कुछ एक लाइन दो है वो लूब ऑयल की है। तो लुब्रिकेशन के लिए और कंट्रोलिंग के लिए ऑयल यूज़ करते हैं। चलिए, अब आपको यहाँ पे कोई भी मोटर नहीं दिख रही होगी कि ये सारी की सारी पाइपलाइन नीचे से आ रही है। तो अब हम आपको उस सेक्शन में लेके जाएंगे जहाँ पे एक्चुअल में ऑयल का चैम्बर होता है। देखो दोस्तों, अगर ऑयल आ रहा है तो ऑयल का चैम्बर भी होगा, ऑयल का चैम्बर होगा तो वहीं पर हम आपको सारी मोटर्स दिखाएंगे, और वहीं पर हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर क्या इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उन चीज़ों को चलाने के लिए और कैसे कैसे चलती है। तो चलते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हम नीचे आ चुके हैं। अब हम आपके सामने जो टैंक दिखा रहे हैं, ये दोस्तों है ऑयल का टैंक। इसमें भरा है टरबाइन का T40 या T60 ऑयल, जो भी यूज़ करते हैं टरबाइन का, जनरली T60 यूज़ करते हैं। तो T60 ऑयल से भरा हुआ ये टैंक है। इस टैंक के ऊपर आपको कई सारी मोटर्स इंस्टॉल हुई दिख जाएंगी। यही मोटर्स जो है वो हम जिसकी बात हम कर रहे थे, जनरली मोटर्स होती हैं। हाँ, ये अब आप ये मत समझिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मोटर्स हम आपको बताएंगे, किसी किसी प्लांट में या किसी किसी टरबाइन में इन मोटर्स के नाम्स भी अलग होते हैं, उनकी क्वांटिटीज़ भी अलग होती है। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये स्टैंडर्ड है, ये मोटर्स स्टैंडर्ड है, लेकिन इतनी क्वांटिटी या लोकेशन स्टैंडर्ड नहीं हो सकती। सबसे पहले आपको टैंक के बारे में बता दूं, इस टैंक में जो है हमारा लेवल सेंसर लगा होता है। लेवल सेंसर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेवल सेंसर हमको ये बताता है कि आखिरकार इस टैंक में लेवल ऑयल का कितना है, क्योंकि ऑयल का लेवल सबसे क्रिटिकल है। अगर ऑयल ही हमारा नहीं रहेगा तो हमारी टर्बाइन तुरंत ख़राब हो जाएगी। तो ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंट हमारा ऑयल का। और इसके बाद हमारे ऊपर कई सारी मोटर इंस्टॉल है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे AOP का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी ऑयल पंप। यानी ऑक्सिलरी ऑयल पंप क्या होता है कि जब हम टरबाइन स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में जो पंप चलाना पड़ता है वो AOP ही होता है। किसी किसी में क्या होता है ACOP नाम भी हो सकता है, लेकिन ACOP नाम AOP का नहीं होता, AOP के बाद ACOP चलता है। तो यहाँ पे फिलहाल AOP ही है, तो ऑक्सिलरी ऑयल पंप चलता है। एक जब लिमिटेड RPM पे
हमारी टरबाइन पहुंच जाती है तो ये एओपी बंद हो जाता है, फिर हमारा एमओपी चलता है यानी मेन ऑयल पंप। तो मेन ऑयल पंप चलता है जो आपको पीछे दिख रहा होगा छोटे छोटे, वो दो हैं, एक ख़राब हो जाए तो एक चलेगा। तो ये होता है उस एओपी एक पर्टिकुलर आरपीएम पे चलेगा, उसके बाद हमारा चलेगा एमओपी। अगर हमारे इनकेस एओपी भी ख़राब हो जाए और एमओपी भी ख़राब हो जाए तो एक हमारा ये डीसी पंप है, इनकेस हमारी लाइट चली गई, कुछ भी हो गया, हमारे पास पावर नहीं है और हमारे टरबाइन को मैंने आपको बताया था कि टरबाइन अगर बंद हो जाए तो हमें उसको कम से कम 48 या 72 आवर्स तक उसको रोल करना पड़ता है प्रॉपरली, ताकि जो है उसकी शाफ्ट बेंड ना हो। तो उस कंडीशन में अगर हमको ऑयल देना है तो उस कंडीशन, तो ये हमारा डीसी पंप है, डीसी पंप डीसी मोटर है, डीसी मोटर यानी डीसी पंप है, यानी ये क्या करेगा, हमारा अलग से सेपरेट बैटरी बैंक होता है, ये स्टैंडर्ड है दोस्तों, हर टरबाइन में एक ईओपी पंप होता है और उस ईओपी पंप को हम सेपरेट डीसी बैंक से यानी यूपीएस से चलाते हैं, ताकि इन केस ऑफ पावर फेलर हो जाए तो हमें पावर कहाँ से मिलेगी, वो यहाँ से मिलेगी और हमारा ऑयल जाता रहेगा, हमारी टरबाइन को डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि इसके अलावा और भी होते हैं, एक पंप ये लगा होता है दोस्तों, ये पंप क्या करता है कि इस ऑयल में जितनी भी तरीके की, जैसे गर्म होता है ऑयल ऊपर टरबाइन पे जाता है, चीज़ों को ठंडा करता है बेयरिंग्स को, उसके बाद खुद हीट हो जाता है, तो हीट होने के बाद जो ऑयल आता है उससे जो वेपर निकलती है, उसको वेपर निकालने के लिए जो यूज़ होता है पंप, उसे बोलते हैं वेपर एक्सट्रैक्शन पंप, ठीक है दोस्तों, VCP। तो ये वेपर एक्सट्रैक्शन पंप भी इस पर लगा होता है। तो ये तीन तरीके के पंप होते हैं, कुछ पंप्स और भी होते हैं जैसे ACOP और जैकिंग ऑयल पंप GOP, तो वो यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, जैकिंग ऑयल पंप को जनरली मेकिंग MOP ही बोलते हैं, और ACOP वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे AOP के बाद एक पर्टिकुलर रेंज पे ACOP यूज़ करते हैं, और ACOP भी एक पर्टिकुलर RPM पे यूज़ होता है, उसके बाद हम MOP ही फाइनल में चलता रहता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, लूब ऑयल का कूलर होता है, यानी जो लूब ऑयल गर्म हुआ है उस लूब ऑयल को ठंडा करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कूलर होता है, जैसे हम क्या करते हैं उस लूब ऑयल को ठंडा करते हैं, क्योंकि भाई जो गर्म हो गया उसे ठंडा भी करना है, क्योंकि ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा जो टर्बाइन का हमने ऑयल यूज़ किया है उसकी, उसको हमको थिक नहीं होने देता, जैसे उसकी थिकनेस बढ़ना चालू हो जाती है वो ऑयल ख़राब होना चालू हो जाता है, तो उसकी लाइफ मेंटेन करने के लिए हमें उसे प्रॉपरली कूल रखने के लिए ये कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो हमारा एमओपी हमारे चलते कब हैं, वो ऑटो में हमारे यहाँ पे क्या है, लूब ऑयल प्रेशर के ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, कुछ ट्रांसमीटर तो ऐसे होते हैं जैसे आपको दिख रहा होगा PSLL यानी वेरी लो होगा तो ये ट्रिप करा देगा, और ये क्या करेगा PSL यानी लो पे, यानी आपको अलार्म देगा। उसका लूब ऑयल का एक और लगा हुआ है, उसी तरीके से एक लूब ऑयल का और लगा हुआ है, तो प्रेशर स्विच हमें कंट्रोलिंग करके बताते हैं कि भाई लूब ऑयल का पंप बंद हो गया तो चलना चाहिए, इस तरीके से हमारी पंप की कंट्रोलिंग होती है। तो इतने पंप हैं इस बेसिकली इस टर्बाइन पे। इसके अलावा जैकिंग ऑयल पंप आपको बता दिया जो MOP का ही काम करता है, और ACOP जो एक एक्स्ट्रा पंप है वो यहाँ पे नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया, ACOP जहाँ पे भी होगा AOP के बाद चलेगा और MOP से पहले चलेगा, लास्ट में सिर्फ एक ही पंप चलता है मेन ऑयल पंप। किसी किसी टर्बाइन में कोई पुरानी टर्बाइन होती है उसमें MOP जो होता है वो आपका टर्बाइन पे ही लगा होता है, उसका अलग से मोटर नहीं होती है, तो वो मोटराइज पंप होता है, मैकेनिकल पंप होता है, वो जनरली अब यूज़ नहीं होता है, तो अब यही सेपरेट पंप्स का यूज़ होने लगा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, थैंक यू। क्योंकि लेवल सेंसर हमको ये बताता है कि आखिरकार इस टैंक में लेवल ऑयल का कितना है, क्योंकि ऑयल का लेवल सबसे क्रिटिकल है, अगर ऑयल ही हमारा नहीं रहेगा तो हमारी टर्बाइन तुरंत ख़राब हो जाएगी। तो ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंट हमारा ऑयल का, और इसके बाद हमारे ऊपर कई सारी मोटर इंस्टॉल है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे AOP का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी ऑयल पंप, यानी ऑक्सिलरी ऑयल पंप क्या होता है कि जब हम टर्बाइन स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में जो पंप चलाना पड़ता है वो AOP ही होता है। किसी किसी में क्या होता है ACOP नाम भी हो सकता है, लेकिन ACOP नाम AOP का नहीं होता, AOP के बाद ACOP चलता है, तो यहाँ पे फिलहाल AOP ही है, तो ऑक्सिलरी ऑयल पंप चलता है। एक जब लिमिटेड RPM पे हमारी टरबाइन पहुंच जाती है तो ये AOP बंद हो जाता है, फिर हमारा MOP चलता है यानी मेन ऑयल पंप। तो मेन ऑयल पंप चलता है जो आपको पीछे दिख रहा होगा छोटे छोटे, वो दो हैं, एक ख़राब हो जाए तो एक चलेगा। तो ये होता है उस AOP एक पर्टिकुलर RPM पे चलेगा, उसके बाद हमारा चलेगा MOP। अगर हमारे इनकेस AOP भी ख़राब हो जाए और MOP भी ख़राब हो जाए तो एक हमारा ये DC पंप है, इनकेस हमारी लाइट चली गई, कुछ भी हो गया, हमारे पास पावर नहीं है और हमारे टरबाइन को मैंने आपको बताया था कि टरबाइन अगर बंद हो जाए तो हमें उसको कम से कम 48 या 72 आवर्स तक उसको रोल करना पड़ता है प्रॉपरली, ताकि जो है उसकी शाफ्ट बेंड ना हो।
तो उस कंडीशन में अगर हमको ऑयल देना है तो उस कंडीशन, तो ये हमारा डीसी पंप है, डीसी पंप डीसी मोटर है, डीसी मोटर यानी डीसी पंप है, यानी ये क्या करेगा, हमारा अलग से सेपरेट बैटरी बैंक होता है, ये स्टैंडर्ड है दोस्तों। हर टर्बाइन में एक ईओपी पंप होता है और उस ईओपी पंप को हम सेपरेट डीसी बैंक से यानी यूपीएस से चलाते हैं, ताकि इन केस ऑफ पावर फेलर हो जाए तो हमें पावर कहाँ से मिलेगी, वो यहाँ से मिलेगी और हमारा ऑयल जाता रहेगा, हमारी टर्बाइन को डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि इसके अलावा और भी होते हैं, एक पंप ये लगा होता है दोस्तों, ये पंप क्या करता है कि इस ऑयल में जितनी भी तरीके की, जैसे गर्म होता है ऑयल ऊपर टर्बाइन पे जाता है, चीज़ों को ठंडा करता है, बेयरिंग्स को, उसके बाद खुद हीट हो जाता है, तो हीट होने के बाद जो ऑयल आता है उससे जो वेपर निकलती है, उसको वेपर निकालने के लिए जो यूज़ होता है पंप, उसे बोलते हैं वेपर एक्सट्रैक्शन पंप, ठीक है दोस्तों, VCP। तो ये वेपर एक्सट्रैक्शन पंप भी इस पर लगा होता है। तो ये तीन तरीके के पंप होते हैं, कुछ पंप्स और भी होते हैं जैसे ACOP और जैकिंग ऑयल पंप GOP, तो वो यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। जैकिंग ऑयल पंप को जनरली मेकिंग MOP ही बोलते हैं, और ACOP वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे AOP के बाद एक पर्टिकुलर रेंज पे ACOP यूज़ करते हैं, और ACOP भी एक पर्टिकुलर RPM पे यूज़ होता है, उसके बाद हम MOP ही फाइनल में चलता रहता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, लूब ऑयल का कूलर होता है, यानी जो लूब ऑयल गर्म हुआ है उस लूब ऑयल को ठंडा करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कूलर होता है, जिससे हम क्या करते हैं उस लूब ऑयल को ठंडा करते हैं, क्योंकि भाई जो गर्म हो गया उसे ठंडा भी करना है, क्योंकि ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा जो टर्बाइन का हमने ऑयल यूज़ किया है उसकी, उसको हमको थिक नहीं होने देता, जैसे उसकी थिकनेस बढ़ना चालू हो जाती है वो ऑयल ख़राब होना चालू हो जाता है, तो उसकी लाइफ मेंटेन करने के लिए हमें उसे प्रॉपरली कूल रखने के लिए ये कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो हमारा MOP हमारे चलते कब हैं, वो ऑटो में हमारे यहाँ पे क्या है, लूब ऑयल प्रेशर के ट्रांसमीटर लगे हुए हैं। कुछ ट्रांसमीटर तो ऐसे होते हैं जैसे आपको दिख रहा होगा PSLL, यानी वेरी लो होगा तो ये ट्रिप करा देगा, और ये क्या करेगा PSL यानी लो पे, यानी आपको अलार्म देगा। उसके लूब ऑयल का एक और लगा हुआ है, उसी तरीके से एक लूब ऑयल का और लगा हुआ है, तो प्रेशर स्विच हमें कंट्रोलिंग करके बताते हैं कि भाई लूब ऑयल का पंप बंद हो गया तो चलना चाहिए, इस तरीके से हमारी पंप की कंट्रोलिंग होती है। तो इतने पंप हैं इस बेसिकली इस टर्बाइन पे। इसके अलावा जैकिंग ऑयल पंप आपको बता दिया जो MOP का ही काम करता है, और ACOP जो एक एक्स्ट्रा पंप है वो यहाँ पे नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। ACOP जहाँ पे भी होगा AOP के बाद चलेगा और MOP से पहले चलेगा। लास्ट में सिर्फ एक ही पंप चलता है, मेन ऑयल पंप। किसी किसी टर्बाइन में, कोई पुरानी टर्बाइन होती है उसमें MOP जो होता है वो आपका टर्बाइन पे ही लगा होता है, उसका अलग से मोटर नहीं होती है, तो वो मोटराइज पंप होता है, मैकेनिकल पंप होता है, वो जनरली अब यूज़ नहीं होता है, तो अब यही सेपरेट पंप्स का यूज़ होने लगा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।